हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीपाशी करवार और आज मैं आपको क्लास फिफ्थ का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका मतलब है कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। आज के ज़माने में हर प्रकार के कार्य में कंप्यूटर का प्रयोग तेज़ी से हो रहा है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, रिसर्च का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, फैशन डिज़ाइनिंग, खेलकूद या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें कंप्यूटर का प्रयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। कंप्यूट शब्द से उत्पन्न हुआ था, जिसका मतलब है गणना। कंप्यूटर की खोज मुख्यतः गणितीय गणना को आसान तरीके से करने के लिए की गई थी, लेकिन वर्तमान में कंप्यूटर का 80% प्रयोग अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आज के समय में कंप्यूटर छोटा लेकिन तेज यंत्र है, लेकिन पहले के दिनों में कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, जिससे कि इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हुआ करती थी। इन्हें चलाने से पूरा रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, इसलिए इनको हमेशा एयर कंडीशन रूम में रखा जाता था। यहाँ नीचे कुछ ऐसे उपकरणों के बारे में बताया गया है, जिनसे कि गणना करने में आसानी होती थी। ये पहला यंत्र है यहाँ पर अवेकस का आविष्कार चाइना द्वारा हजारों साल पहले हुआ था। यह पहला मशीनी यंत्र था, जिससे कि गणना की जाती थी। इस यंत्र के माध्यम से गणना काउंटिंग कर सकते थे, जोड़ कर सकते थे, घटाव कर सकते थे। सेकंड है नेपियर्स बोन्स। इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया था। इसके माध्यम से हम सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते थे और उनका आपस में भाग भी कर सकते थे। जॉन नेपियर मुख्यतः लॉगरिथम की गणना के लिए जाने जाते हैं। इसमें थर्ड है आपका पास्कलेन। इसका आविष्कार ब्लेस पास्कल ने 1600 ईसा पूर्व में किया था। यह गेयर्स, व्हील्स और डायल से बना हुआ था। इस व्हील्स के रोटेट होने पर उन पर नंबर दिखाई देते थे। यह जोड़ और घटाव करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। थर्ड है आपका लेबनिज़ कैलकुलेटर। इसका आविष्कार प्रसिद्ध जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रिड वॉन लेबनिज़ ने 1673 ईस्वी में किया था। यह सभी प्रकार की मैथमेटिकल गणना करने में समर्थ था, चाहे वह जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो या कुछ भी हो, स्क्वायर रूट वगैरह कुछ भी, यह सभी को करने में समर्थ था। नेक्स्ट है आपका जैकवार्ड लूम। इसका आविष्कार जोसेफ जैकवार्ड ने 1805 में किया था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में किया था। इसका प्रयोग कार्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता था और फिर उसके बाद 20 डेसिमल तक उसकी कैलकुलेशन करने की। यहाँ पीछे आपको एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चंस करना है। डिफाइन द टर्म कंप्यूटर। इन विच एरिया आर कंप्यूटर बीइंग यूज्ड टुडे। व्हाई वाज कंप्यूटर इन्वेंटेड। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फर्स्ट में से दो करने हैं, अबेकस एंड डिफरेंस इंजन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।